नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 सितंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। जी दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 25 किलो का चलता है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से सभी किसान भाइयों को कहूँगा कि अपने टमाटर तोड़ते रहो, बेचते रहो, जो बांट लिया वो आपकी जेब में, और यदि आपने खेत में टमाटर छोड़ा वो लाल हो जाएगा। अभी तो ये मंदे का नुक्स कर रहे, ज़्यादा कर रहे, फिर ये लाल का भी बहाना मिल जाएगा। यहाँ पर अपने माल को करारा तोड़ते चले जाओ, हरा कच्चा, तो ऐसा हो सकता है कभी एक दिन ना बिके और आने वाले समय में दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में कुछ बरसातें दिखा दी। यदि आपके माल बढ़िया वाले हो गए ना, मान लो किसी कारण से किसी दिन माल ना बिका, यहाँ पर बरसात ज़्यादा हो गई, तो एक दिन माल भी रुक जाएगा, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि माल पहले ही आपके लाल होंगे और यहाँ के और ज़्यादा लाल हो गए तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। अपने माल को तोड़ते रहो, बेचते रहो, रेट तो अब यही चलेगा। रेट का तो अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बड़ी भयंकर नज़र लग चुकी है रेट को, तो यही रेट चलेगा। जिन्होंने वो महंगा खा लिया था ना जी, और जिन्होंने पैसे बांट लिए वो तो साइड में हो गए, और जिनके अभी चले वो अभी और फंसेंगे आने वाले समय में। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, क्या क्या रेट है जी टमाटर के। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा साहब। नमस्कार विनय भाई साहब जी, कितनी गाड़ियां आ रही जी मार्केट में, क्या पोजीशन है जी आज की जी? बाबू जी गाड़ियां आज कल से थोड़ा सा माल थोड़ा सा, हाँ जी, कम कह सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी भाई। कल वाली समस्या जाम की, अच्छा जाम इतना ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पर पीर बाबा वाले गेट के ऊपर। आज इधर तो है नहीं, कल दो दिन वीडियो डाल ली, तीसरे दिन आज अधिकारी खड़े। बहुत अच्छी बात है, इधर वाले में थोड़ी सी कम है, पर इधर थोड़ा सा जाम ज्यादा है, इधर भी जाना पड़ेगा फिर। हाँ तो कस्टमर जो है सारा का सारा जाम के अंदर अभी लगा हुआ है। अच्छा, जब कस्टमर आ जाएगा तो उम्मीद है कि थोड़ा सा उठाव चालू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि माल जो है कल से समझिए चलिए 10-20% कम है, थोड़ा सा भी कम होता है तो कहीं ना कहीं जो है उठाव चालू हो जाता है। अच्छा जी जी, उम्मीद है कि आज इज्जत से माल बिकने चाहिए। मंगाया काम जिनका नुकसान हो बड़ा नहीं होने आएगा जी। राणा साहब नुकसान इतने ज्यादा हो रहे हैं, जो पिछला 1.5 महीना निकला है ना, हाँ जी, वो इतना नुकसान है कि आने वाले दो साल की भी भरपाई नहीं कर सकता। अच्छा जी। हाँ जी, जो एक गाड़ी का काम करने वाला है वो 40-50 लाख घट रहे हैं। अच्छा, जिसने पांच गाड़ी का काम करा है उसको 3-4 करोड़ रुपए घटे हुए हैं, बाकी तो भरपाई कहाँ से हो जाएगी। वो किसान भाई हो या किसानों, छोटो जो किसानों को तो सबको पता ही है जी, ये बिल्कुल सही बात है जी। मैं इनके बाद में इनके आस पास भी बैठता हूँ, इनका सारा साफ देखता हूँ, वाकई घटे जी। पिछले बार जब गिरता क्रम था ना जी, जीतने का भी लिया इन्होंने, उससे नीचे गिरते चले गए, और इस रेट में तो किसानों का तो जो है सब लो, चाहे खेत में बांधो और चाहे मंडी में तोड़ के बेच दो, ये 400 के 350 क्योंकि 200-250 रुपए का वहां से यहां तक का बाड़ा बाड़ा है जिसका। हां जी भाई साहब, बिल्कुल राणा साहब, ये जो सच्चाई है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ इस टाइम के ऊपर तो किसान भाइयों को और जितने भी पीछे से व्यापारी भाई है, हाँ जी, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करे कि किसी भी तरीके से, देखिए रकम तो इतनी बनती नहीं है लेकिन कंडीशन कुल मिला के बहुत ज्यादा खराब है। पीछे से जितने भी, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो कोई भी मर्जी माल भर रहे हैं, कंडीशन कहने का मतलब है राणा साहब पीछे से भरने वालों की बहुत खराब है। यानी जिन्होंने पैसे बांटने थे किसानों ने उनके बट गए, जो अब चल रहा जिनका माल वो भी फंस गए, फंस गए, बिल्कुल बिल्कुल फंस चुके हैं। अच्छा, तो ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि कहीं ना कहीं सबके किसी न किसी तरीके से घाटे पूरे हो जाए, वरना जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल का दौर देखने को आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि अभी देखिए मेरी कल परसों भी बेंगलोर में अपने 2-3 मेन व्यापारियों से बात हुई, तो एक व्यापारी अपना धंधा कर रहे थे, वो है नहीं इस टाइम पे, मंडी नहीं जा रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं उसका माइनस इम्पैक्ट जो है ना, वो भी जिन्होंने माल उधार उठाए वहां से पैसे, बिल्कुल जो उधार उठाए हुए हैं, अब वो आगे पेमेंट देखिए कहाँ से करेंगे, इतने ज्यादा पैसे घट चुके हैं तो वो पेमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर्कल अभी चल रहा है, जब सर्कल रुकेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत राणा साहब आएगी ही आएगी। चलिए बात बताओ, जैसे आज माल 19-20 का कम आया, उठाव में थोड़ा सा अजी फर्क उठाव में अभी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे में उठाव हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी थोड़ा जाम लगा हुआ है, कस्टमर जाम में लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, अब रेट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, आज का राणा साहब जो रेट के ऊपर आए, देखिए ये छत्रपति संभाजी नगर का टमाटर है, साहू नहीं है ये। अच्छा जी, ये टमाटर दूसरा है। अच्छा, इस टमाटर की पोर्शन 300 रुपए समझ के चलिए। अच्छा जी, क्योंकि ये साहू नहीं है, साहू टमाटर होता तो आज की डेट में 350 रुपए से लेकर 380 रुपए तक छत्रपति संभाजी नगर का टमाटर है, जो लाल वाला है, जो लाल साहू है।
अच्छा, ये 440 बीज है। देखिए हल्का पीले रंग का होता है और अच्छा उसको दबा के देखिए, ये हल्का सा नरम होता है। अच्छा जी। हाँ, मैं किसान भाइयों को सबको अनुरोध करता हूँ ये टमाटर ना लगा के साहू टमाटर पे ज्यादा प्रेफर करें। अच्छा जी। हाँ जी, पिछली बार भी हम हर वीडियो के अंदर ये बात बोलते रहे थे, पर फिर किसी भी किसी इलाके में जहाँ साहू होता है वहाँ तो सबको फैल कर देता है, पर कहीं कहीं पर ये होता भी धरती का साफ है जी। नहीं, फिलहाल वहाँ पर कामयाब है, वहाँ पर कामयाब है। हाँ जी, वहाँ पर जो साहू है वहाँ पर कामयाब है। बेंगलोर की तो है, कर्नाटक की और हैदराबाद की तो जान है जी, वहाँ पर भी कामयाब है। चिंता मत कीजिए, छत्रपति संभाजी नगर में भी अगर साहू टमाटर जो लगाते हैं वो कामयाबी है। अच्छा जी। हाँ, पर फिर भी लोग ये लगा देते हैं और मंदे के अंदर ये टमाटर बिकता नहीं है। अच्छा, तेजी होगी तो कहीं ना कहीं बिक भी जाएगा, पर मंदे में नहीं बिकता। अच्छा जी। इसके अलावा हाइब्रिड टमाटर है, हाइब्रिड का मार्केट का फ्लैट रेट 300 रुपए का खुला हुआ है। 300 रुपए का फ्लैट रेट है पूरी मार्केट के अंदर, कहीं मर्जी से कोई मर्जी टमाटर ले लो 300 रुपए का ओपन रेट है। अच्छा जी। हाइब्रिड के अंदर कोई भी तेजी नहीं है और मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है आने वाली एक दो दिन तक कोई तेजी नजर भी नहीं आएगी। 300 रुपए में तो ये जोन से महाराष्ट्र से गाड़ियां आ रही, इनका किराया कितना पड़ रहा जी? भाजी 200 रुपए का कम से कम का भाड़ा खर्चा खुर्चा लगा के 200 रुपए पड़ जाता है। 100 रुपए बच रहे हैं, 100 रुपए बच रहे हैं। 100 रुपए में 4 रुपए किलो का टमाटर भी अगर पीछे खरीदारी करते हैं तब भी घाटा है, आरती के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अच्छा जी। तभी मैं बार बार आपको हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि ये घाटे ऐसे हैं कि कमर तोड़ घाटे हैं, कमर तोड़ घाटे। और ये भी बता दो जी, अब व्यापारियों ने माल भरना बंद कर दिया, अभी वो घाटों के भाई घाटे होंगे तो कब तक भरेगा व्यापारी, कब तक चलेगा व्यापारी, कब तक चलेगा? दोस्तों आज मैं इसलिए बोल रहा, कल मैं 2-4 आढ़तियों के पास बैठा था ना, उन्होंने मुझे दिखाया जी सारा सिस्टम। जो व्यापारी पहले यहाँ पर माल लगा रहे थे ना, उन्होंने भरने बंद कर दिया, अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपनी खरीदी के माल आ रहे, अपनी खरीदी के माल आ रहे यहाँ पर। हाँ जी, अपनी खरीदी के माल आ रहे ज्यादा। सबके 90% खरीद के ही माल है, जो व्यापारी भर रहे हैं वो व्यापारी ही घट जाते हैं, जो आड़ती अभी हम जो लोग खरीद रहे हैं तो हमारे पैसे घट रहे हैं। ये आपको मैं बताऊं औरंगाबाद का, मैं खुद अपना पर्सनल काम कर रहा हूं और कम से कम 10 लाख रुपए तो मुझे घट चुके हैं इस टाइम पे, इस समय जी, इस टाइम तक 10 लाख रुपए घट चुके हैं। और उनके पल्ला तो कुछ भी नहीं पड़ रहा जी, जो किसान है समझो जो 100 रुपए का। देखिए जब जब मंदा होता है ना राणा साहब, मंदे के अंदर जो कमाई है ना वो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, जीरो हो जाती है। जो व्यापारी भर रहे हैं उसके भी 5-7-8 लाख रुपए, एक गाड़ी का काम करने वाले को छत्रपति संभाजी नगर का जो भी काम कर रहे हैं उन सबको पैसे घट रहे हैं, चाहे पूरी मंडी के अंदर जितने भी बंदे हैं सबको पैसे घट रहे हैं। अच्छा जी। जी जी। और जो बात करें जी भाई साहब, आज बेंगलोर वालों का क्या बाजार चल रहा जी? बेंगलोर की मात्र मंडी में 2 गाड़ी है, पर वो भी जो टमाटर है वो 400 से ऊपर नहीं बिक पा रहा है। अच्छा जी। हाँ, सिर्फ दो ही गाड़ी है, लेकिन मार्केट में ये गाड़ी 8-10 है ना, छत्रपति संभाजी नगर की 8-10 गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये सिर्फ 2 ही गाड़ी है, पर वो भी टमाटर महंगा नहीं बिक पा रहा। 8-10 गाड़ी है जोन सी है छत्रपति संभाजी नगर की, ये भी गोल है और बेंगलोर भी गोल है। गोल कहाँ का रहा? और इसके अलावा जी, इसके अलावा अभी थोड़ा बहुत अभी पहाड़ों का टमाटर चालू हो जाएगा। हाँ यार, हिमाचल की बताओ, हिमाचल की अभी चालू नहीं हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, पर वो उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर वो भी टमाटर जल्दी सिलाई वगैरह, सिलाई का टमाटर एंटर हो जाएगा। कल गाड़ी आई जी मंडी में कोई करे? हाँ, छोटी गाड़ी 100 क्रेटों की आई थी, पिकअप आई थी, आना नाना एक ही बराबर है, पर 2-4-5 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है। कैसे माल कैसे आ रहे जी वो? मैं सच बताऊ राणा साहब, मैंने क्वालिटी देखी नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन टमाटर शुरुआत का टाइम है, पर टमाटर ठीक होंगे। अच्छा जी। टमाटर ठीक होंगे, अभी शुरुआत का टाइम है, हल्के टमाटर कहाँ से होंगे। अच्छा, टमाटर अच्छे होंगे वो। ऐसे जो मंडी में सोलापुर का बढ़िया माल है, ये हाइब्रिड आ रहा जो सब बढ़िया टॉप क्लास है जी, 300 रुपए का फ्लैट रेट है उसका मार्केट के अंदर। ये देखिए गाड़ियां लगी हुई है, लोग मांग जरूर रहे हैं आरती 350-340 रुपए, पर वो बिकेगा 300 रुपए का ही। अच्छा जी। चलिए जी, यानी 300 रुपए फ्लैट चल गया हाइब्रिड, हाइब्रिड और ये छत्रपति संभाजी नगर का जो 440 बीज है वो 300 रुपए, जो साहू टमाटर है वो 350 से 380 रुपए। अच्छा, बेंगलोर का टमाटर फ्लैट रेट 400 रुपए बेंगलोर का। अच्छा, बाजार में कहीं पर भी कोई तेजी नहीं है, आने वाले टाइम के ऊपर ऊपर वाला ही मालिक है, क्या करते हैं देखिए। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर 98-111-078-40-9811-07840। विनय नाम है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र, D1334, न्यू आजादपुर सब्जी मंडी। बोर्ड दिखा दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद राणा साहब। भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है जी। और दोस्तों ये बिल्कुल सच्चाई है, कल मैं किसी आड़ती के पास बैठा था जी, पर मैंने कभी उनका इंटरव्यू तो लिया नहीं, मेरी बातचीत है उनके साथ, कई बार बैठ के बातें बाहर लेता हूँ इधर उधर से, जैसे फ्रूट मंडी से आता जाता हूँ, तो उन्होंने सारा सिस्टम दिखाया जी, सारे अपने खाते दिखाए, वाकई पैसे कटे जी, उनको वाकई पैसे देने। और कारण एक और बात बताऊँ जी, जो पहले जब ये महंगा टमाटर था ना जी, ये जब बहुत ज्यादा महंगा टमाटर था, तब जो उनसे व्यापारियों ने वहां से माल खरीदे है ना, अब व्यापारी वहां पर भी नहीं जा रहे पैसे देने के लिए, वहां पर भी उनको पैसे देने, व्यापारी जो है ना बैठ गए जी, बैठ क्या गए, घटे ज्यादा पड़ गए। जब गिरता क्रम था ना,
गाड़ियां चल रही थी इसी उम्मीद के ऊपर कि बचेगा, और अब आके ऐसा रेट हो गया। इस रेट में तो जो मर्जी कुछ कर लो जी, इस रेट के अंदर यदि वहां से फ्री में भी टमाटर जाए ना, तब भी नहीं बचेगा। 300 रुपए में बचेगा क्या जी? 200 रुपए का खर्चा पड़ जाता है, और यहाँ तक का और खर्चे पड़ जाते हैं जी। और उनको देखो जी, जो उनसे वहां पर बेच रहे, इसको 100 रुपए का, 150 रुपए का, 50 रुपए का जो भी बेच रहे, उनके पल्ले क्या पड़ेगा? क्योंकि तार बांस का, बीज का, दवाई का खर्चा बहुत ज्यादा है। टमाटर की जो अपनी कॉस्ट है जी, अपनी कॉस्ट पड़ती है जी ये 20 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो की अपनी कॉस्ट पड़ती है किसान को। ये तब ये टमाटर तैयार होता है। तार और बांस वालों की बात करा, नीचे वालों का तो फिर जैसा नीचे का माल होगा वो तो 10 में भी पड़ जाएगा, 15 में भी पड़ जाएगा, पर उसका जो है फिर मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं होगी। जो तार बांस के टमाटर है उनके 20 से 25 रुपए का खर्चा पड़ता है जी। इसका बीज बहुत ज्यादा महंगे हो गए, दवाई ज्यादा महंगी, सबसे बड़ी है इनकी पेस्टिसाइड है जो, और इनके जो ब्लाइट आती है इनमें, ये दवाइयां बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई। हमारे इलाके में तो ऐसा हो गया जी अब की बार कि जिसने बीज लिया था दुकानदार से या दवाई ली थी इसकी टमाटर की, जो भी उसने उधार में ले लिया दोबारा वो दे ही नहीं पाए। जो भी उधार में आ लिया ना जी, वो दोबारा दे ही नहीं पाए, चाहे खाद हो, बीज हो, दवाई हो। टमाटर का बिजनेस अब ये जो तेजी रही है कई साल परेशान करेगी, कई साल परेशान करेगी।